Good morning, Mumbai. Welcome to Mumbai, 47. One of the most densely populated cities in the world, home to more than 12 million people. If you wanted to disappear and hide from the world, this vast city is perfect. The maze-like sprawling slums offer secret paths and surprises around every corner. The elusive Maelstrom knows the city like the back of his own hand. Locating him will be a considerable challenge. A place to start could be the slums where his former gang, the Crows, has recently risen from the ashes. Dawood Rangan will be easy to find in his half-finished tower, wrapping up his new film called Mumbai Hero. While Vanu Shah has ensconced herself in the overgrown remains of an old train yard. Your three targets call this labyrinthine part of the city home, so choose your approach carefully. Jai Hind! तो जैसा कि आपने अभी सुना, डायना ने जैसा बोला, हमारे पास आज गेम में मुंबई में तीन टारगेट्स हैं, दाऊद रंगन, वान्या शाह और मेलस्ट्रॉम। लेकिन गेम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं घूमना चाहता हूं, क्योंकि जो लोकेशन है यहां पे आप देख सकते हैं, अच्छा लगता है देख के जब मतलब इंडिया का लोकेशन कोई होता है किसी गेम मिलता है तो। और अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि हिटमैन में ये पहली बार नहीं हो रहा है जब आपको इंडिया का लोकेशन मिल रहा है। ऑलरेडी एक बार आरक्षण एक बार ऑलरेडी हो चुका है हिटमैन के पहले वाले गेम में, एक है सेकेंड या थर्ड में ही है, हिटमैन 2 या 3 में, मुझे याद नहीं ठीक से, जहाँ पे हिटमैन का एक होता है मिशन वो इंडिया में ही होता है, और वहाँ पे जो आवाज़ें सुनेंगे, जो वॉइसेस हैं, वो पूरे एक्चुअल पूरी हिंदी में है कि देखो पागल है, भागो यहाँ से, ऐसे ऐसे करके लैंग्वेज है यहाँ पे। बट अभी इस गेम में क्या है कि हिंदी की लैंग्वेज थोड़े कम है, बहुत मतलब बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, ज़्यादातर सब इंग्लिश में, क्योंकि अब पता है आपको कि बहुत बहुत फेमस गेम है ये और वर्ल्ड वाइड रिलीज हुआ है, तो हिंदी में पूरा नहीं डाल सकते क्योंकि लोगों को हिंदी का उतना होता नहीं है। और यहाँ पे चाय बना रहे हैं चचा हमारे। सो यही है, गेम में आपको लैंग्वेज मिलेगा इंग्लिश में ही, बट कुछ कुछ जगहों पे आप जैसा कि वीडियो स्टार्ट हुआ तो आपने देखा होगा, ओके तो वीडियो पे स्टार्ट होगा तो आपने देखा होगा कि कुछ लैंग्वेज यहाँ पे है, कुछ गाली गलौज भी है थोड़ा बहुत, तो वो सब आपको हिंदी में मिलेगा, बाकी लैंग्वेज इंग्लिश में है। तो फिलहाल देख लिया आपने लोकेशन यहाँ पे, और परफेक्ट मतलब ग्राफिक्स जो है दिखा आपने, डिटेल कितनी प्यारी बनाई गई है। अगर मुंबई की बात करूँ तो बेस्ट की बसेस यहाँ दिख रही हैं, कलर जो होता है हमारी टैक्सी का वो सब यहाँ पे दिख रहा है, लोगों के जो पोशाक हैं, पहनने वाले जो कपड़े हैं वो भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल वही हमारे इंडिया का ही है। यहाँ देखिए सलवार सूट से लेके कुर्ता पजामा और चीजें जो भी हैं, शर्ट पैंट। They seem to be on the lookout for potential assassins and will be suspicious of anyone they don't recognize. I suggest you are mindful around them in the slums. Okay, तो डायना कह रही है कि यहाँ पे यार हम इस कपड़े में नहीं घूम सकते, क्योंकि जो यहाँ पे जो भी किलर्स वगैरह हैं या फिर जो भी माफिया कह लीजिए, उनको पता है कि अगर कोई बंदा अलग तरह से दिख रहा है तो उसको वो किलर समझे और तुरंत। This is one of the Mumbai chores. My records show a few residential complaints about a new tenant in the building. Something related to strange behavior. Might be worth looking into. Okay, तो तुरंत उसको वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। सो हम इस कपड़े में तो नहीं घूम सकते, तो हमें ये ड्रेस पहले चेंज करनी होगी, लेकिन ड्रेस चेंज करने से पहले एक बार चेक करना चाहते हैं कि हमारा इंटेल क्या है एक्चुअल में, इस गेम में अभी करना क्या है मिशन में, मतलब कंप्लीट कैसे करना है, क्योंकि रंगून जो है उनको और वान्या शाह को और वो देखिए अलाहाबाद वाले बाबा यहाँ घूम रहे हैं, कुंभ मेला वहाँ लगा हुआ है अलाहाबाद में, ये मुंबई में घूम रहे हैं, लग रहा है अभी बहुत देर हो चुका है इनको निकले हुए वहाँ से। खैर यहाँ पर आ चुके हैं हम किसी शॉप पे, आई थिंक ओके यहाँ मिलेगा हमें इंटेल, इस दो जगह पे कुछ लोग बातें कर रहे आएंगे या फिर कुछ हमें कुछ पता चलेगा यहाँ से, तो सुनते हैं फिर आगे देखते हैं क्या करना है। I'm sure Miss Shah will send someone with more hands-on experience than me. He's the only tailor in town that can make that damn dress. That's what happens when you drown all the others, I guess. It appears Vanya Shah is in the market for a dress fit for a queen. She's sent after a local tailor, but for some reason the man refuses to cooperate. A man of your impeccable taste should be able to fill in perfectly for the tailor. Okay, so यहाँ पे मालूम ही चला है कि जो यहाँ पे टेलर दिख रहा है आपको, वान्या शाह एक ड्रेस चाहती हैं अपने लिए, लेकिन ये टेलर बनाने को राज़ी नहीं है। अब जो भी इसका रीज़न रहा हो, लेकिन अगर हम इस टेलर की जगह ले लें
और वो कपड़ा कहीं से मिल जाए जो उनको चाहिए, तो हम उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और एक बार वान्याशाह तक पहुंच गए तो फिर आगे तो आपको पता ही है क्या कहानी है। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे अंदर आने की। One moment. You look like a discerning gentleman. We have the finest wares in here. Best cloth, finest cuts, dresses in all. Oh, Vikram. Vikram. What are you going to do? Listen, I have to go out for a while. If anyone asks for me, just tell them I'm not here. Okay, okay. So, ये बाहर जा रहा है। टेलर ने जैसा बोला विक्रम को कि बाहर जा रहा है और कोई भी आए तो बोलना कि मैं नहीं हूँ। ये चीज़ें हमारे इंडिया में बहुत होती है कि बेटा कोई आए तो बोल देना कि मैं नहीं हूँ। सो टेलर भी कहीं जा रहा है बाहर और हमें मौका देख के इनकी ड्रेस लेनी है। अजीब लगेगा नहीं ये हमारा कहाँ एजेंट 47 उस ड्रेस में। फिलहाल देखते हैं कैसा कैसे लगता है ये। सूरज चमके हैं। ओके सो जाओ चचा, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। देख सकते हैं ड्रेस बड़ी प्यारी लग रही है इनके हमारे 47 के ऊपर। और अब हमें वो कपड़ा खोजना है जो वान्याशाह को चाहिए, लेकिन कपड़ा कौन सा होगा वो पता करने के लिए पहले हमें जाना पड़ेगा वापस उस टेलर की दुकान में, ताकि हम ये बाउंस कर सके कि वो कपड़ा कौन सा जो उन्हें चाहिए। और आप देख सकते हैं हमारे 47 को सामने से कैसा लुक आ रहा है। टेलर तो किसी एंगल से नहीं लग रहा है मुझे, मैं क्लियर कर दूँ। ये देखिए वाइट ऑयल लाइन, यानी कि कोई ना कोई हमें पता है अगर हम भीड़ से हटे तो किसी ना किसी को हमें शक हो जाएगा। वैसे भी यार वैसे इतना अंग्रेज की तरह दिखने वाला इंसान इस तरह टेलर बने घूमेगा तो डाउट तो किसी ना किसी को तो हो ही जाएगा। ये गार्ड तो अपनी जगह से हट नहीं रहा, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। ओके तो हम पहुंच चुके हैं टेलर के दुकान के पास और अब हम इंटर करेंगे और ऊपर का शाइन दिखा रहे तो ऊपर जा रहे हैं ये देखने के लिए कि कपड़ा कौन सा है क्या है, हमें वही मिलेगा यहाँ पे। Shah wants a cerulean dress, 47. Perhaps you will be able to source a roll of the right fabric at a local cloth market. कोई सुलु लुलु करके कोई ड्रेस है जो भी है मुझे नाम ठीक से पढ़ नहीं पाया मैं, तो कोई सुलु पुलु ड्रेस है वही चाहिए उनको और वही लेके हम जाएंगे उनके पास। और ड्रेस लेने के लिए पहले कपड़े की दुकान में जाना पड़ेगा। Greetings, sir. Can I interest you in my fine wares? Cheap, durable cloth in... How much of these? Ah, you're back. Ah, my friend. 5 coins, यानी कि मांग रहा है कपड़े के लिए और इतना coin अगर हम दे दिए, दिक्कत ये है कि हमारे पास coin बचेगा नहीं। और इस game में यार अगर हमें जीतना है ना तो distraction का होना बहुत जरूरी है, distract करना। और ये बाबा फिर बगल में आ गए हमारे, अभी इलाहाबाद के लिए रास्ता खोज रहे हैं, इनके पास अगर टिकट नहीं मिल पाई है। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि इस बंदे को मार के कपड़ा ले लें ताकि पैसा हमारा खर्च ना हो। और अगर मैं इस सीढ़ी पे ऊपर जाके इसको शूट कर दूँ, इसके हेडशॉट ले लूँ यहाँ पे, तो काम बन सकता है। लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि यार इतने बड़े मार्केट में इसको मारा जाए, कोई और तरीका अगर हो तो देखते हैं इसको मारने का। ये जो उसने ऊपर एक बोर्ड लगा रखा है, मे बी इसको शूट करके हम इसको मार सकते हैं शायद। ट्राई करते हैं, अगर नहीं मारा तो फिर दोबारा गेम लोड करेंगे। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये मर्डर था या फिर एक्सीडेंट। और अब हम अपना कपड़ा आराम से लेके निकल सकते हैं। सो ये हमारा वो लुलू लुलू जो भी कपड़ा था, ये तो ऐसे खड़ा है जिससे लग रहा है कि ये बस अटैक कर देगा अभी तुरंत। Assalamu alaikum. Yes, I have it right here. About bloody time. Come with me. Oh, don't be alarmed, by the way. Miss Shah takes security very seriously, so the guards will search you. अरे यार सर्च करेंगे गार्ड, यानी कि हमारे पास तो पिस्टल और फाइबर वायर है और इस दोनों को छुपाना पड़ेगा, वरना अगर ये खोज लिए तो फिर ये खत्म हो जाएगा गेम हमारा, जो कहीं छुपा के आते हैं। यहाँ पे ड्रॉप कर तो सकते हैं मगर वो दो बंदे वहाँ खड़े हैं तो यहाँ पे ये जगह सही नहीं है, कोई और देखते हैं जगह। यहाँ पे ये प्लेस कुछ ठीक है जहाँ पे हम छुपा सकते हैं, तो यहीं पे डाल देते हैं अपना बंदूक और फाइबर वायर ताकि बाद में अगर जरूरत पड़े तो आके ले भी सके यहाँ से। ये गई बंदूक और ये गया हमारा वायर। चलो अब हम क्लीन है बिल्कुल, कॉइन है बस हमारे पास, कॉइन कोई खतरनाक चीज़ तो होती नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम आराम से जाते हैं उन गार्ड्स के पास।
और सर्च करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। I need to frisk you first. फिर निकलेंगे हम वान्या शाह से मिलने के लिए। Hold that position. Okay, bro. We'll be done in no time. हाँ हाँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, आप चेक कर लो आराम से। Okay, you're good to go. Okay, thank you. और यहाँ पे गार्ड्स की पोशाक देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी लग रही है। और गार्ड्स भी हमारे प्योर इंडियन लग रहे हैं देख के, कपड़ों से लेके हर चीज में। सही कहा था डायना ने, यहाँ पे जो सिक्योरिटी है बहुत टाइट है। और अभी वान्या शाह किसी और से मिल रही हैं। That is Vanya Shah, self-appointed queen of the Mumbai slums. अच्छा, मुंबई स्लम की रानी है ये, महारानी। फिलहाल ही महारानी किसी और से मिल रही है, तब तक हम थोड़ा यहाँ वहाँ घूम लेते हैं जब तक एक बंदा चला ना जाए, फिर उनसे मिलने जाएंगे। ये दोनों बंदे जुड़वा लग रहे हैं, देख रहे हैं जितने गार्ड यहाँ पे, आप ध्यान से देखेंगे फेस को, जितने गार्ड से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी लग रहा है, ये सेम लग रहा है देखने में। चलो ये गया हमारी बारी। The elusive tailor. Here at last. Let's have a look at the cloth. ये लीजिए मैडम आपका सुलुलुलु क्लॉथ। I want to make sure that excellent. Finally some progress here. Come with me. I want you to take my measurements while we're here. Okay, तो ये कह रहे हैं कि चलो और मेरी ले लो, मतलब मेरा मेजरमेंट ले लो। सो प्राइवेट में इनकी लेते हैं हम, मेजरमेंट लेते हैं। बट लेने के लिए हम टेप लेके नहीं आए हैं, और मेजरिंग टेप हमें लगता है कि मे बी इनके पास हो, या फिर कोई दिक्कत नहीं, एक बार अंदर पहुंच जाए फिर तो ले ही लेंगे, मतलब मेजरमेंट ले लेंगे। लेकिन अगर पीछे वो खड़ी हैं उनके सामने तो लेना दिक्कत है। बढ़िया, टेप यहीं रखा हुआ है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे अब हम ये गार्ड गेट बंद कर देते ताकि कोई देख ना, अब गेट बंद हो गया। चलो बढ़िया, ये कुछ काम का उसे उठा लेते हैं। अरे यार ये कौन है, क्या कर रहे हो बेटा, यहाँ चले जाओ आप, क्या करके आ रहे हो, यहाँ से निकलो यहाँ से। ओ मेरे बॉयफ्रेंड का मैसेज आया। ओ ठीक है फिर जाओ, तुम भी जाओ उनके पास। Well, what are you waiting for? Get on with it. हाँ आ रहा हूँ मैडम, एक मिनट ठिकाने लगा लो इनको, पहले लेता हूँ आपकी मेजरमेंट। Yeah, Raja, ye gayi Rani. Confirmed kill on Vanya Shah. Excellent work, 47. No rest for the wicked, however. On to the next one. Thank you, Diana. वैसे भी यहाँ जितना है, जैसे यहाँ पे बेड सजा हुआ है और बिल्कुल फूल वूल डले हुए हैं, ये पूरी सुहागरात वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे हम मेजरमेंट लेने आए हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ ना। दो बॉडीज डंप करनी पड़ गई क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि कोई देखे। खैर मैंने मारा तो नहीं था इसको, बेहोशी किया था जहां तक मुझे पता है। और एक मैडम और अंदर है, तो यहां से तो बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, तो आंटी को छोड़िए, काम करने दीजिए, हम जहां से आए वहीं से निकलते हैं। हम बाहर आ चुके हैं यहाँ पे, और अब यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कपड़ा चेंज करने की, क्योंकि जो हमने ड्रेस पहन रखी है यार, ये दिक्कत हो सकती है इसमें, क्योंकि इसमें हमने मर्डर किया है। सो एक गार्ड यहाँ पे सामने है, तो बस इसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करके इसी कपड़ा लेने की कोशिश करते हैं। कैमरा नहीं तोड़ सकते यार, गन नहीं है हमारे पास, बट लेट्स ट्राई। अरे यार लग रहा है उसको सुने से सुना नहीं इसने। सुन लिया। बस कैमरे का पोजीशन यहाँ पे तो नहीं है, तो मुझे लगता नहीं कैमरा यहाँ पे देख पाएगा। जगह अच्छी है, मौका अच्छा है। अब ड्रेस चेंज करते हैं, क्या बात है, ड्रेस तो चेंज हो चुकी है मगर दाढ़ी मूछ नहीं है। बस यार अगर दाढ़ी मूछे होती तो एजेंट 47 में हमारे उनकी तरह दिखते। बॉडीज को डंप करने के लिए कोई जगह अच्छी तो है नहीं, यही कहीं झाड़ियों में छुपा देते हैं। देर सवेर यार बॉडी मिल जाएगी, क्योंकि जब भी आप झाड़ी में छुपाते हो ना कोई बॉडी, तो देर सवेर मिल ही जाती है। टैक्सी, टैक्सी,
सो यहाँ पे आ चुके हैं हम अपने सेकंड मिशन के पास, और यहाँ पे मैंसन में घुसने के लिए हमें चाहिए इस घर में घुसने के लिए ड्रेस गार्ड की, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे इनको कॉइन फेंक के ताकि ये आए कार के पीछे और इनकी जान हम ले लें, सॉरी जान नहीं लेंगे यार ड्रेस लेंगे। चलो बात हो गए भाई साहब। Yes, I'm awesome. अरे यार गजब है, अब इसको दाना फेंक फेंक के बुलाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे। अरे आओ कभी हवेली पे। कॉइन और आगे फेंका था मैंने, लगा इसने देखा नहीं, एक और फेंकना पड़ेगा थोड़ा पास। ओके बढ़िया, अब ठीक है अब ठीक है अब ठीक है। नो ये दोनों गार्ड आ गए, अब इसके सामने बस ये दोनों पीछे ना आ जाएं, हमें बस एक से मतलब है, एक ही आया है वो कार के अंदर दिख रहा है पागल। ऑसम उठाओ तो सही तुम, हम तुम्हें उठा लेंगे। ओके आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से सो जाओ। चलिए भाई ड्रेस तो मिल गई, अब चलते हैं घर के अंदर। और घर के आगे काफी भीड़ लगी है, लेकिन हमारी ड्रेस ने हमें इतनी अथॉरिटी दे रखी है कि हम घर के अंदर जा सकते हैं शायद। हाँ जा सकते हैं, जा सकते हैं। अब यहाँ मिलेगा हमें इंटेल, देखते हैं कि सुनते हैं क्या बात है, मैं इस मिशन को कैसे कंप्लीट करना है, आप भी ध्यान सुनिएगा। He doesn't want to do the scene with Rangan. He still wants to do the kiss. Oh ho! Are the nerve of this guy, Jutia? He's a creep. Gali bhi khule aam. I think she's crazy. Mumbai ki ladkiyan hain, bhai. Mumbai ki ladkiyan hain. But it seems to be working. Let's hope nobody finds the script. Then Rangan doesn't deserve to get his way. The production of Mumbai Hero is coming to a close, but it seems there's a spot of trouble. Lead actress Charisma Hassan has refused to do a kissing scene with Rangan and has got rid of the script by tossing it down an elevator shaft. Shame. The scene features the use of a large industrial wind machine. Could be worth investigating. तो डायना के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मूवी हो रही है मुंबई हीरो, उसकी हीरोइन है करिश्मा कपूर, या करिश्मा जो भी नाम था उसका, एक सीन है किसिंग सीन है दाऊद के साथ, दाऊद रंगन के साथ, लेकिन वो करिश्मा करना ही नहीं चाहती थी, तो उसने क्या किया कि जो वो सीन वाला स्क्रिप्ट था उसने उठा के फेंक दिया। अब हम चाहेंगे कि वो स्क्रिप्ट मिल जाए, क्योंकि वो स्क्रिप्ट मिल गया तो उसमें एक बड़ा सा पंखा यूज होगा, फैन। अरे यार एक मिनट भाग, ये ड्रेस यहाँ काम नहीं करेगी। तो अगर किसी तरह से स्क्रिप्ट हमें मिल जाती है तो उस स्क्रिप्ट के साथ हम वो सीन शूट कर लेंगे, और उस फैन का यूज़ करके मे बी उस फैन के साथ कहीं ना कहीं कुछ तो बात है, क्योंकि फैन का यूज़ करके उसको मारना है दाऊद को, तो मे बी वो फैन से कट के मरे या फिर जैसे भी मरे। तो हमारा मिशन यही है कि हम चाहेंगे कि वो किसिंग सीन हो और दाऊद के साथ, और वो स्क्रिप्ट जो उन्होंने फेंक रखा है, करिश्मा ने कहीं फेंक दिया है, उसको हमें खोजना है अब। और यहाँ पे अंदर जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है हमें, क्योंकि जो अंदर मैडम है वो देख रही हैं हमें, तो छुपते छुपाते पहुँचते हैं। इस बंदे की ड्रेस चाहिए हमें। नफरत है मुझे ये सुट्टाबाजी से। ये बंदा यहाँ पे खाना चख रहा है और पॉइजन, यानी कि इस खाने में पॉइजन हम मिला दे, पॉइजन का ऑप्शन आ रहा है, तो बंदा अगर वो खाना खाएगा तो पक्का उसके पेट में गड़बड़ होगी और वो आ जाएगा वॉशरूम, और फिर हम कपड़ा ले सकते हैं उसकी, उसका ड्रेस ले सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए यार रेड पॉइजन और रेड पॉइजन सोडा कैन, खैर ले लेते हैं ये भी किसी काम का, क्या पता आ ही जाए, रख लेते हैं अपने पास। यहाँ देखते हैं मिल जाए शायद हमें रेड पॉइजन, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। अब इस रेड पॉइजन को मिलाएंगे उसे खाने में जो चख रहा है बार बार यहाँ घूम के, और उस पॉइजन को चखने के बाद पक्का उसके पेट में गड़बड़ होगी और फिर उसकी ड्रेस हम ले लेंगे। Every night the chef boxes are left over and bingo.
बस अब हमें इंतजार करना है कि वो आए और उस खाने को चखे जो अभी हमने जिसमें जहर मिलाया है। उसके बाद ड्रेस लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि मैडम के ऊपर आप देख सकते हैं छोटा सा एक वाइट डॉट दिख रहा है, इसका मतलब वो हमें पहचान जाएंगे अगर देखेंगी तो, या फिर उन्हें डाउट हो जाएगा हमारे ऊपर, तो उनके सामने हम नहीं जा सकते। चलो बंदे ने बेड तो ले लिया और ये गया खाना अंदर। ओह बॉय, अब कुछ होगा, गड़बड़ होगा, गड़बड़ होगा, अब कुछ गड़बड़ होगा। गॉड, आई फील सिक। ओके, यही होता है बेटा, यही होता है। अब पीछा करते हैं और चलते हैं वॉशरूम में, और मुझे पता है आपको बड़ा पसंद होता है ये देखना मारने का तरीका जो है डुबा के, तो वही करेंगे यहाँ भी। ओके फिर वही बोलूंगा कि यहाँ पे क्या बंदा डूबने से मरता होगा यार, जो गंदी बदबू आती होगी उसको उससे ही मर जाता होगा। खैर हमें ड्रेस मिल चुकी है हमारे इस कर्मचारी की, और अब अगला टारगेट हमारा है उस स्क्रिप्ट को खोजना जो उन्होंने फेंक दिया था मोहतरमा ने, मतलब फिल्म की हीरोइन ने। इन्होंने यहाँ फेंका है इसको, स्क्रिप्ट को। अब हमें खोजना है कि वो कहाँ पे, यार बड़ी गंदी जगह फेंका उन्होंने तो। यहाँ से निकालने के लिए कुछ खींच के मारते हैं शायद, तो वहाँ से गिर जाए वो, वरना कोई और तरीका देखेंगे। सोडा कैन यूज़ करते हैं, देखते हैं शायद इससे काम बन जाए। बहुत बढ़िया, मैंने कहा था ना कि कुछ ने हमेशा जो भी दिखे उठा लो, क्या पता कौन सी चीज़ कहाँ काम आ जाए। तो ये है वो मूवी की स्क्रिप्ट जिसमें लिखा हुआ है किसिंग सीन का कैसे होगा, और इस सीन के ना होने से करिश्मा चाहती नहीं है किस करना दाऊद रंगन को, तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट फेक तो दिया था बट हमने रिकवर कर लिया इसे। और मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा ऊपर जा रहा हूँ क्या, एक मिनट, मुझे लगता है कि लेवल पे तो है नहीं, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, वो लोकेशन नीचे दिख रहा है। ओके, तो अब हम स्क्रिप्ट लेके जाके दे देंगे जिसको भी, जो भी डायरेक्टर है मूवी का जो भी हो, तो वो सीन होगा और पंखा दिखेगा वहाँ पे, फैन दिखेगा हमें, और फिर हम ठिकान लगाएंगे अपने उस। वाओ, ये लोकेशन मस्त है यार, क्या बात है। इसे कहते हैं ग्राफिक्स, गेम ऐसे ही 100 GB का नहीं है। हेलो, आई फाउंड दिस द स्क्रिप्ट। You found it. Thank you so much. Not a problem. Listen, the scene needs the fan to be running. Run over and manage, will you? Right before the scene starts, I'll signal to you to turn it on. Just make sure the safety is on and you don't go above the indicated power. I'll round up everyone. You got it. Good work, 47. Darwood is hurrying down now to act out the final scene with Hassan. Let's make sure he doesn't run out of wind. ओके डायना, तो ये फिलहाल हम यार बाद में काम कर लेंगे, थोड़ा एक बार देखते हैं मुंबई को कैसा दिख रहा है यहाँ से, देख के तो थोड़ा लोग क्या बात है यार, ये देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है सूरज यहाँ चमकता हुआ। ये मुंबई का स्लम एरिया है जहाँ पे हो रही है शूटिंग हमारी इस मुंबई हीरो मूवी की, और बड़ी ही प्यारी ग्राफिक्स है, और यहाँ पे मायावती का हाथी भी खड़ा है। फिलहाल जो पंखा है उसका, उसके अंदर कुछ सेफ्टी लगा हुआ है, कुछ सेफ्टी का कुछ चक्कर है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट एयर उठा लेते हैं क्योंकि उसका छेड़छाड़ करना पड़े, तो अगर वो सेफ्टी लिमिट हम हटा दें तो पंखे की स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। अब वो पंखा फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है, स्पीड तेज होती है तो पंखे से क्या होता है, क्योंकि डेथ तो ऐसे ही होगी इसकी, मिस्टर दाऊद की। आप बात सुन रहे हैं करिश्मा क्या बोल रही है, वो सीन करना चाहती नहीं है, कह रही है किस, उसने बचाया, अच्छी बात है, बट किस क्यों करूं, हाथ मिला लेती हूं उससे। All right, people, time to get the show on the road. I'm here, my lips are ready for the final, most important shot of the film. My lips are ready. Charisma, are you ready? As ready as I am. आवाज में ही हवस दिख रही है इस गंदे आदमी के।
चलिए थोड़ा वेट करते हैं, हम देखेंगे उस सीन को एक बार सीन स्टार्ट होगा उसके बाद हम जो भी कलाकारी करनी हो करेंगे। अरे जल्दी यार, ठीक है पंखा ऑन कर दिया मैडम, क्या बात है, ऐसे होती है यार शूटिंग ना मूवीज की, देख रहे हैं आप। ओके ओह यू सेव्ड मी। यस द विच रेस्ट्स इन हेल नाउ अलोंग विद हर असैसिन। यू आर फ्री। लाइक अ वेल हैज बीन लिफ्टेड फ्रॉम माय आईज। शी पॉइजन्ड माय माइंड अगेंस्ट यू। I thought you were the villain. Her magic was powerful, but it's gone now. कितनी गंदी एक्टिंग कर रहा है ये बंदा, कितनी गंदी एक्टिंग कर रहा है। इससे अच्छी एक्टिंग तुम्हारे देव भाई कर लेते हैं। You will have me. I will protect you always. I'm yours forever. Ooh. Now kiss me, hero. I'm sorry. I cannot. अरे यार, shit. खैर अपना काम करते हैं अब। ये होता है मर्डर, इतनी बेहतरीन तरीके से मारा गया है किसी को कानों काल खबर भी नहीं हुआ होगा। और अब यहाँ पे जो इंटेल मिला है हमें उसके अकॉर्डिंग जो हमारा लास्ट टारगेट है उसको वो आएगा दाढ़ी बनाने के लिए। लेकिन सेविंग करने से पहले दिक्कत ये है कि जो जिसका जिस बंदे का दुकान है जो बार्बर है वो दुकान खोल ही नहीं रहा है, तो हम उसके घर पे आए हुए हैं, पता करते हैं क्या मामला है और फिर बार्बर की जगह लेके हम जाएंगे नीचे दाढ़ी बनाने, शेविंग करने। और आपको पता है कि शेविंग जब करते हैं तो हाथ में क्या होता है उस तरह। मोबाइल खींच के मारने की कोशिश लेकिन नहीं कर सकते हैं, जान नहीं लेना चाहते, इसलिए हम कुछ और देखते हैं। यहाँ पे दिक्कत है कि अंकल के साथ आंटी भी खड़ी है ना, तो दोनों को मारना अच्छी बात नहीं लग रही मुझे। कॉइन तो फेंका, कोई उठाने नहीं आ रहा। अरे यार मुझे लगा था आंटी जाएंगी, आए तो अंकल चले गए, कुछ और करना पड़ेगा अब। ठीक है आंटी, देखना मत यार आंटी क्या किया आपने। सो जाओ आराम से, कुछ देर रेस्ट करो। तब तक हम शेव करके आते हैं, मतलब खुद का नहीं किसी और का। और फिलहाल अंकल और आंटी को हम अलमारी के अंदर छुपा देते हैं, आप कुछ देर आराम से सोते रहो। बेचारी आंटी अगर उन्होंने देखा नहीं होता तो फिर आराम से भी जग रही होती, लेकिन क्या करें, शादी भी गजब चीज़ है, नहीं साथ जिएंगे साथ मरेंगे अलमारी में साथ रहेंगे। चलो खैर हम चलते हैं नीचे, चाबी ले चुके हैं। और ये हमारे इंडियन किचन देख सकते हैं आप, और ये खुला यहाँ पे दरवाजा। अब बनाएंगे दाढ़ी यहाँ पे, अब करेंगे शेव। All right, 47, we're open for business. We know what the maelstrom looks like and expect him to show up. Patience and shaving cream is what's on the menu now, 47. तो जो भी टारगेट हमारा होगा वो दिख जाएगा हमें रेड में ही, उसको पकड़ेंगे। भाई साहब, can I get a shave, please? सॉरी भाई साहब, अभी नहीं। यार, that's too bad. वो रहा। I'd like to get a shave, if possible. Sorry, sir. I'm afraid not, sir. Oh, that's too bad. आगे टारगेट हमारा। इसको हाँ बोलना पड़ेगा, बट ये चला जाए। अब इनको हम एग्री करते। यार एक और चला आया। Hello, do you have time for a shave? No, sir. I'm sorry, sir. Not right now. इसके सामने मना नहीं करना चाहता मैं, वरना खराब लगे बेचारे को। अब ठीक है। Come on in, sir. आइए सर। ओए नाई, जल्दी आ। I want to shave. सुना आपने? ओए नाई, जल्दी आ। All right, I'm ready for my shave. Make it a close one. अब होगा शेव यहाँ पे, बढ़िया वाला। Tides are changing, my friend. ये उस तरह है चाकू? Oh shit! चलिए फिलहाल देखा आपने यहाँ पे। The infamous maelstrom is dead. Okay, thank you, Diana. Very well done, 47. Thank you so much. Let's finish this one. Okay, ठीक है। तो यहाँ mission completed.
Time to find an exit. Okay. और कुछ बोलना है? ठीक है. So, हो गया भाई, देख लिया आपने, तीनों को मारना था हमें और बड़े ही मोहब्बत से हमने मारा है. किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी और ना किसी को दर्द होने दिया. मुझे लगता है कि बड़े ही आराम से ही मारा है सबको, जिसको भी मारा है. सो मिशन खत्म हो चुका है और हिटमैन की तरह ही यहाँ पे हमने मिशन खत्म किया है. कोई वायलेंस नहीं, कुछ नहीं. और अब हम यहाँ से चुपचाप बाहर निकलेंगे. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक करिएगा और नेक्स्ट मिशन के लिए भी तैयार रहिएगा. मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में. और हाँ, एक बात और बोलनी थी कि अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो परचेज़ करिए प्लीज़ इस गेम को. अभी स्टीम पे अवेलेबल है 500 रुपये के आसपास, तो वहाँ से ले सकते हैं. और नहीं तो आप कुछ देर वेट कर लीजिएगा, मैं जरूर दे दूंगा इस गेम को आपको. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.